हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड। और आज के अपने इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक कैमरा कंपैरिजन, जो कि होगा पोको X2 वर्सेस रियलमी 7 का। अब ये दोनों स्मार्टफोन का कैमरा कंपैरिजन क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन्स में आपको सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का। रियलमी 7 में आपको सोनी का IMX682 सेंसर देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का। वहीं पे पोको X2 में IMX686 सेंसर देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी। और साथ ही दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2-2 मेगापिक्सल के नंबर गिनाने वाले मैक्रो और डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। तो सब कुछ आज यहाँ पे चेक करेंगे। अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में हम इमेजेस कैप्चर करेंगे, वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किसकी क्वालिटी बेटर रहती है। मेरा यकीन मानिए, यहाँ पे रिजल्ट्स काफी शॉकिंग हैं। और एक चीज और आपको बता दूं कि ये दोनों ही फोन्स मैंने खुद से परचेस करे हैं, तो कमेंट में ये मत लिखना कि भाई साहब पेड बाय रियलमी या पेड बाय शाओमी। जो फोन जहां पे अच्छा परफॉर्म करेगा वहां पे बोला जाएगा कि हाँ ये यहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जो जहां पे बुरा परफॉर्म करेगा वहां पे बोला जाएगा कि ये बुरा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप मुझे जानते होंगे, आप मेरे चैनल पे जुड़े होंगे पहले से, तो आपको पता होगा कि मैं डिवाइसेस खुद से परचेस करके रिव्यू करता हूं। पैसे छोड़ो, कंपनी से मुझे रिव्यू यूनिट्स भी नहीं आते हैं, खुद से परचेस करना पड़ता है। लेकिन इसका फायदा क्या होता है मुझे कि मैं फ्री होकर रिव्यू दे पाता हूं किसी भी स्मार्टफोन का। जो मुझे अच्छी चीजें लगती हैं उसे बताता हूं, जो मुझे बुरी चीजें लगती हैं उसे भी बताता हूं। बाकी वीडियो बनाने के लिए मुझे काफी मेहनत लगी, काफी टाइम लगा है, कई दिनों से सैंपल्स इकट्ठा किए मैंने इसके लिए। तो अगर आपकी तरफ से मुझे बस एक लाइक मिल जाएगा तो मुझे बहुत तगड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो जितने भी लाइक्स हैं उसमें बस अपना एक लाइक और ऐड कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अनबायस वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी यहाँ पे। हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करना है आपको। तो पहले यहाँ पे हम कुछ वीडियो सैंपल्स देख लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में यहाँ पे 1080p 30fps में एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन आपको किस तरह से मिल जाती है और क्वालिटी कैसी मिल जाती है इन दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा से, रेयर कैमरा से। डे लाइटिंग कंडीशन में शॉट कैप्चर कर रहा हूँ और देख सकते हैं कौन सी वाली वीडियो ज़्यादा स्टेबल है। थोड़ा सा यहाँ पे हम डायनामिक रेंज को भी चेक कर लेते हैं। अब ये वाला शॉट कैप्चर हुआ है दोनों स्मार्टफोन्स में 4K 30fps में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन आपको किस तरह से मिल जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं भाग के आपको दिखाता हूँ। पोको X2 स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है, वहीं पे रियलमी 7 4K वीडियोज़ में स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता है। और साथ में आप क्वालिटी भी देख सकते हैं वीडियो की कि किस तरह से आपको मिल जाती है 4K रेजोल्यूशन पे। फ्रंट कैमरा से 1080p 30fps में वीडियो शूट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन किस तरह से आपको मिल जाती है और वीडियो की डिटेल्स आपको किस वाले स्मार्टफोन में बेटर मिलती हैं वो भी आप देख सकते हैं, और कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर रहा है बैकग्राउंड को, वो चीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि कौन सी वीडियो क्वालिटी आपको बेटर लगी है। अब यहाँ पे स्लो मोशन सैंपल आपको मैं दिखाने वाला हूँ। वैसे पोको X2 में 960fps का भी सपोर्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सैंपल दिखाने वाला हूँ 240fps का दोनों स्मार्टफोन से 720p रेजोल्यूशन पे। और अब चेक करते हैं कुछ इमेजेस। तो ये दोनों स्मार्टफोन के प्राइमरी कैमरा से कैप्चर की गई इमेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में ही आपको डिटेलिंग काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको पोको X2 में ओवर सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिलते हैं। ओवर सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है पोको की इमेजेस में, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो डिटेल्स में ज्यादा डिफरेंस आपको नोटिस नहीं होगा प्राइमरी कैमरा की इमेजेस में। बस यहाँ पे थोड़ा सा कलर टोन का डिफरेंस आपको नोटिस हो जाएगा। अब इस वाली इमेज में मुझे पोको X2 की इमेज थोड़ा बेटर लगी थी, मतलब डिटेल्स के मामले में भी और कलर्स के मामले में भी। ये इमेज दोनों में ही काफ़ी सिमिलर लग रही थी, बस कलर टोन का थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे नोटिस हो जाएगा आपको। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लेंस में भी आपको सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे, थोड़ी सी डिटेल्स बेटर मिल जाती हैं पोको X2 में, बट यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट लेवल अगेन इसमें भी ज़्यादा ही रहता है। बट ये वाली इमेज जब आप देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि पोको X2 ने कलर्स को अजीब बना दिया है, यहाँ पे रेड को येलो कर दिया है। वहीं पे रियलमी 7 में आपको डिटेल्स उतनी बेटर तो नहीं मिलती हैं, लेकिन कलर्स प्रॉपर दिखाए हैं इसने। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है, मैक्रो इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर्सनली मुझे पोको X2 की इमेज यहाँ पे कहीं ज़्यादा बेटर लगी है, क्योंकि पोको X2 ज़्यादा क्लोज जा सकता है ऑब्जेक्ट्स के।
अब इस वाली इमेज में भी आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा डिटेल्स के मामले में। पोको की इमेज में यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट लेवल और सेचुरेशन लेवल थोड़ा ज़्यादा ही है, तो इस वाली इमेज में खास करके रियलमी 7 की इमेज मुझे कहीं ज़्यादा बेटर लगी थी। आपको कौन सी बेटर लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब यहाँ पे मैक्रो इमेज मैंने कैप्चर करी है दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइमरी कैमरा को डिजिटल जूम करके 2x जूम करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है मैक्रो शॉट कैप्चर करने में। ऑब्जेक्ट हमारा फोकस में है और डिटेल्स भी काफ़ी बढ़िया हैं, तो मैक्रो कैमरा यूज़ करने से बेटर है कि आप 2x डिजिटल जूम को यूज़ करके बेटर मैक्रो शॉट्स कैप्चर कर सकते हैं। रेयर कैमरा में ह्यूमन शॉट्स पे आप देखेंगे नोटिस करेंगे अगेन यहाँ पे पोको की इमेज में सैचुरेशन लेवल कॉन्ट्रास्ट लेवल ज़्यादा मिल जाता है आपको, तो थोड़ी सी यहाँ पे ब्लैकिश इमेज आपको देखने को मिल जाती है। स्किन टोन थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंज नोटिस होगी और हल्का सा ओवर शार्प भी आपको इमेज नोटिस होती है। वहीं पे रियलमी 7 की इमेज में आपको थोड़ा सा सॉफ्टनेस नोटिस होगी, बट कलर टोन काफ़ी बढ़िया और काफ़ी नेचुरल कलर्स यहाँ पे इसने पिक किए हैं मेरे टी शर्ट के। रेयर कैमरा पोर्ट्रेट्स में आपको कोई भी एज डिटेक्शन का खास इशू नोटिस नहीं होगा और दोनों ही कैमरा ने इमेजेस काफी बढ़िया से कैप्चर करी हैं। ये इमेज मैंने कैप्चर करी है फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट मोड में और यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे कि पोको X2 की इमेज थोड़ा सा ओवर शार्प हो रही है, ओवर शार्प और हल्का कॉन्ट्रास्ट लेवल इसमें भी ज्यादा है, बट ओवरऑल पोको की इमेज में थोड़ी सी डिटेल्स भी मुझे ज्यादा लगी। बैकग्राउंड ब्लर दोनों में ही काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया गया है, काफी नेचुरल लगता है। जब हम अगेंस्ट द सन इमेजेस कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे पोको X2 ज़्यादा ओवर एक्सपोज करता है बैकग्राउंड को, रियलमी 7 थोड़ा सा कम ओवर एक्सपोज करता है, लेकिन डिटेल्स के मामले में पोको X2 यहाँ पे बेटर निकल के आता है। मतलब सब्जेक्ट की डिटेल्स बेटर मिल जाएंगी लेकिन बैकग्राउंड की डिटेल्स पूरी खत्म हो जाएंगी, ओवर एक्सपोज हो जाएंगी। अब ये आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में कैप्चर की गई इमेज है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इस इमेज के अंदर जो टेक्सचर्स हैं यहाँ पे वो पोको X2 में थोड़ा सा कम दिख रहे हैं, कम विजिबल हैं, जबकि रियलमी 7 ने इसे काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। इंडोर लाइटिंग में फ्रंट कैमरा भी दोनों स्मार्टफोन में काफी सिमिलर तरीके से परफॉर्म करता है, बस यहाँ पे स्किन टोन का डिफरेंस रहता है, अदरवाइज मुझे डिटेल्स में कुछ खास डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ है। नॉइज लेवल भी दोनों में ही काफी सिमिलर लगा मुझे। इनडोर्स में पोर्ट्रेट शॉट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये लो लाइट इमेज मैंने कैप्चर करी है बिना नाइट मोड के, यहाँ पे नाइट मोड मैंने यूज़ करा है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं पोको X2 की इमेज कहीं ज़्यादा बेटर है। रियलमी 7 की इमेज में आपको कॉन्ट्रास्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, मतलब काफ़ी ब्लैकिश इमेज आपको देखने को मिल जाती है, वहीं पे पोको ने काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ मेंटेन किया है, मतलब सीन में जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ब्राइट आपको देखने को मिल जाती है। अगेन यहाँ पे भी आप नाइट मोड देख सकते हैं पोको X2 का कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अल्ट्रा लो लाइटिंग कंडीशंस में यहाँ पे फ्रंट कैमरा दोनों स्मार्टफोन में काफ़ी सिमिलर तरीके से स्ट्रगल करता है, मतलब दोनों में इमेजेस आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल देखने को नहीं मिलती हैं, हालांकि रियलमी 7 ने कुछ इमेजेस काफ़ी बढ़िया कैप्चर करी थी। इंडोर्स में यहाँ पे सलमान भाई की इमेज कैप्चर करी मैंने। डे लाइटिंग कंडीशन में ये वाला शॉट आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे कॉन्ट्रास्ट लेवल सेचुरेशन पोको X2 की इमेज में ज़्यादा है, वहीं पे नेचुरल कलर्स पिक किए हैं रियलमी 7 की इमेज ने, हाइलाइट्स और शेडोज को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, बट हो सकता है आपको पोको X2 की इमेज थोड़ा सा यहाँ पे आई कैची लगे, ऐसा लगता है कि इसको एडिट किया गया है थोड़ा सा। तो पोको की पोस्ट प्रोसेसिंग ऐसी है, मतलब आपको सैचुरेटेड इमेज देखने को मिल जाती है, कॉन्ट्रास्टी इमेज देखने को मिल जाती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आता है। और ये वाला अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट है। ये इमेज मैंने कैप्चर करी है दोनों स्मार्टफोन्स के 64 मेगापिक्सल कैमरा से। जूम करने के बाद मैंने नोटिस किया कि रियलमी 7 ने यहाँ पे डिटेल्स थोड़ा बेटर कैप्चर करी हैं इस इमेज में। तो आपने सैंपल्स देख लिए, आपको ओवरऑल कौन सा वाला बेटर लगा? वैसे मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे क्लियर विनर दोनों में से नहीं मिला। दोनों स्मार्टफोन्स अपनी अपनी जगह पे काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रियलमी 7 IMX682 के साथ इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे मेन डिफरेंस था पोस्ट प्रोसेसिंग का। दोनों स्मार्टफोन कंपनीज अपने अपने तरीके से पोस्ट प्रोसेस करती हैं इमेजेस को, बस वही फर्क रहा, अदरवाइज यहाँ पे डिटेल के मामले में ज्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ। बट लो लाइटिंग कंडीशंस में पोको X2 मुझे थोड़ा बेटर लगा और साथ ही वीडियो मोड्स के अकॉर्डिंग और वीडियो की क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी पोको X2 थोड़ा सा मुझे बेटर लगा। लेकिन यहाँ पे मुझे नेचुरल कलर्स मिले हैं रियलमी 7 की इमेजेस में। बट टू बी ऑनेस्ट दोनों स्मार्टफोन्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अंडर 15,000 रियलमी 7 का कैमरा काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और पोको X2 का कैमरा तो पता ही है काफी अच्छा है। तो आज वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।